अपकमिंग फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। हाल ही में 10 फेब 2019 को पेन मूवीज ने मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड किया था। भाग मिल्का भाग एंड रंग दे बसंती जैसी अमेजिंग मूवीज डायरेक्ट करने के बाद द अपकमिंग मूवी मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को भी राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है। मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने मीडिया को बताया कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं रखेंगे, लेकिन अगर वह मूवी देखना चाहते हैं तो इट विल बी एन ऑनर। इस मूवी को पेन स्टूडियोज, राकेश ओमप्रकाश मेहरा पिक्चर्स एंड अहम ब्रह्मास्मी प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। अगर हम मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 15 मार्च 2019 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, ये मूवी सोशल इश्यूज लाइक सैनिटेशन प्रॉब्लम्स इन द कंट्री के ऊपर बेस्ड है। अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर एक यंग स्लम किड की कहानी को दर्शाती है और ये मूवी एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप को भी हाईलाइट करती है। मूवी में एक 8 साल के बच्चे कानू को दिखाया गया है जो अपनी माँ के साथ मुंबई के स्लम्स में रहता है, लेकिन एक अगली इंसिडेंट के घटने की वजह से कानू प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखता है और फिर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आता है। मूवी में पब्लिक सैनिटेशन की नीड पर भी फोकस किया गया है। फिल्म में अंजलि पाटिल, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रह चुकी हैं, 8 साल के बच्चे की माँ का रोल निभा रही हैं। बॉलीवुड कई दफा सोशल इश्यूज पर मूवीज बना चुका है, अब देखना ये होगा क्या ये मूवी लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब होती है या नहीं। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया मूवी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।